हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख सकते हैं कि भाई आपका तैयार है। कुछ प्लान ऐसा है कि आज हमने किया है जी काम से छुट्टी, और आज काम करने को बिल्कुल भी मन नहीं था। ठीक है, आज था कि यार आज यशी मारते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं। कुछ प्लान इस तरह से है कि फिलहाल अभी हम रिश्तेदारों की तरफ जाएंगे, वहां उसके बाद हम कुछ खाने पीने जाएंगे, फिर माइट भी रात को या शाम को कुछ ऐसा किया जाता है कि हम लोग कहीं बाहर कहीं घूमने फिरने चलें। सोचते हैं कि कहाँ जाते हैं बाहर घूमने फिरने। अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकले हैं, धूप भी माशाल्लाह से काफ़ी है। यार की धूप ना बहुत अजीब सी है। मैंने देखा, जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम लैंड किया था ना, तो मेरा जो चेहरे का रंग था वो एकदम ऐसा चेंज हुआ। जहाँ लाइक अब मैंने ऐनक पहनी हुई थी, तो जहाँ जहाँ ऐनक थी तो वो उसका कलर चेंज हुआ, बट जो बाकी फेस का हिस्सा था वो ऐसा चेंज हुआ कि भाई कि मैं क्या बताऊं कि लाइक सांवला टाइप, काला काला सा टाइप फील, इस तरह से वाइप होती है। यहाँ की धूप बड़ी ख़तरनाक धूप है, पता नहीं यहाँ के क्लाइमेट का क्या इशू है, मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। ओ भाई, इतनी धूप और इतनी गर्मी गाड़ी में हबस, वो तुहाड़ी माँ की सीरी हुई 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 हुई। बहुत गर्मी है यार, एसी तेज़ करो भाई, बैठना नहीं चाहिए था पहले तो। गाड़ी स्टार्ट कर लेते और उसके बाद टेम्परेचर अंदर का ठीक हो फिर बंदा बैठता सुकून से। सीट बेल्ट तो पहने यार, ये इसकी जो हुक है ना, पता नहीं सोचा कितने हुक की कहते हैं शायद, बट भाई बहुत ही गर्म है कसम से। हाथ सड़ गए भाई। कैसा लगा फिर गर्मी में बैठ गए? हद हो गई है ना यार। ये इसके ऊपर से बंद करें, ये इसके ऊपर से बंद करें काइंडली भाई। सनस्क्रीन लगा ले, यहाँ की धूप ना अल्लाह हाफिज है। बहुत जल्दी ना रंग काला कर देती है यार यहाँ की धूप ना। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत ही बड़ा उतारने। गर्मी ने ना और धूप ने तो भाई फिर भी आज कल। अब बच जाएंगे हम धूप से, सेफ सन स्क्रीन आया है यार। अच्छा वो फिर खाने का क्या करना है? वो बुशी से नहीं करती, उसी ग्रेजुएशन की है अभी तक पेंडिंग है उसकी। हाँ उसको मैसेज कर रहा हूँ कि हम निकल पड़े मैं और हम ट्रेड लेने आ रहे हैं, रेडी हो जा। हर दफ़ा उसने गेड़ा कराया, मैं हर दफ़ा लारे लगा के रखा हुआ है, मैं दे दूँगी। आज उसे काबू करते हैं आज यार। तो सीन कुछ ऐसा है कि आप लोगों को याद होगा, मैंने व्लॉग भी अपलोड किया था कि मेरी जिस बहन की ग्रेजुएशन हुई थी, तो काफ़ी देर से उसको कह रहा हूँ कि बहन मेरी के ट्रीट दे, बट वो ना गेड़े करा रही है, लारे लगा रही है कि हाँ मैं फलां टाइम, और काफ़ी देर हो गई है। तो आज मैंने सोचा है कि उसको जाके ना लूटते हैं, उसे ट्रीट लेते हैं। ठीक है, तो अब जाके भाई उसको घेरा है, उसको मैसेज कर दिया, उसे कॉन्टेक्ट कर लिया, उसे कहा कि भाई मैं आ रहा हूँ, ट्रीट चाहिए मुझे। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से उसे राज़ी किया। ठीक है, आज भी मगर वो लारे लगा रही थी कि भाई फलां टाइम, मगर शुक्र है कि वो काबू आ गई। A few moments later. हाँ जी, पहुंच चुके हैं जगह पे जहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है। अभी तक वो बंदी नहीं पहुंची, हम पहुंच चुके हैं। खैर हम अब इंतजार करते हैं, आपको जगह भी दिखाते हैं। और आज इस ये एक्चुअली हलाल रेस्टोरेंट है और फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम ट्रेड लेने लगे हैं, इसका भी रिव्यू करते हैं साथ में। बाय द वे जिस जगह माए हैं सैदिया को टाउन सेंटर भी कहते हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ टाउन सेंटर कि कैसा होता है यहाँ पे। भाई ये जो टाउन सेंटर है ना, ये हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है यार, इतने भी एक्सपेंसिव नहीं है। और आपको वो जगह भी दिखाते हैं यहाँ पे हमने जाना है, जहाँ पे हमें एक ट्रीट मिल रही है। और वो जगह है भाइयों ये रही, गाड़ी पार्क करते हैं दोबारा दिखाते हैं।
उफ ये गर्मी, ओए हो भाई, बहुत तेज गर्म धूप है और यक तेज गर्म हवा चल रही है, मत बज रही है। खैर हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे, दिखाते हैं आपको। ए भाई वो बारबेक्यू चिकन इधर हलाल के लिखा हुआ है, इधर हलाल, ये इधर इतने हलाल लिखा हुआ है। ये भाई इसका अंदर से व्यू है। हाँ जी भाई, बहन हमारी ने गेड़ा गुड़ा कोई नहीं कराया हमें, ठीक है शुक्र है पहुंच गए, और मैं फूड भी ऑर्डर कर लिया, बल्कि पहुंच गया हुआ, दिखाता हूँ। ये तो खैर दूसरे का ऑर्डर है, मेरा ऑर्डर तो ये रहा भाई साहब। और एक हमने ये ऑर्डर किया है, ये से मेरा ख्याल है किंग चिकन बारबेक्यू कहते हैं, ये वैसे ही पहले आ गया, तुमने यूज़ कर लिया है। और ये पता नहीं कौन सा सैंडविच है, एक गोल्डन स्पाइसी करके है और ये एक डिफरेंट है, ठीक है। हमने कुछ चार आइटम ऑर्डर की थी गाइस, खाना खा चुके हुए हैं, और अभी क्या सीन हुआ कि अब हम मैं दूसरी गाड़ी में जाने लगा हूँ, जो मेरी वाली गाड़ी थी उसकी सवारी जा चुकी हुई है। और ये एक्चुअली जो मेरे पास गाड़ी है ये है लोनर कार। लोनर कार यहाँ पे क्या होती है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरी गाड़ी है और उसकी इंश्योरेंस है कल को उसका, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, चलो हम कुछ किसी और की एग्जाम्पल, कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी गाड़ी है और वो इंश्योरेंस पे है, और इन केस वो एक्सीडेंट हो जाए तो वो एक्सीडेंट फिर क्या करता है कि वो वारंटी में है, तो वो फिर कंपनी क्या करती है उसको, अगर आप क्लेम करते हैं एक्सीडेंट वारंटी क्लेम करते हैं, देन क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो आपको लोनर कार दे देती है, एक्स्ट्रा कार देती है, और वो आ वाली गाड़ी अपने पास रहती है, उसकी रिपेयर हो रही है, और ये वाली गाड़ी आप तब तक यूज़ करते हैं जब तक वो रिपेयर हो रही है। खैर ये है जी भाइयों वो लोनर कार। ये जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो शेवी थी, और ये लोनर कार में GMC की मिली है। ये तब तक हम यूज़ करेंगे जब तक हमें हमारी गाड़ी नहीं मिल जाती। इसको पीछे कहाँ से करना है, इसकी सीट कहाँ पीछे, ये जी इसकी सीट पीछे हो गई है। आय हाय हाय क्या कार है भाइयों, गर्मी ने तो माँ बहने करनी है। अब इसका सिस्टम कैसे समझें, अब इसका इसी गांव से आया होता है, इसको मेन रोड पे लेके आते हैं फिर इसको भगाते हैं। उम्मीद है कि पुलिसिया पीछे नहीं पड़ेगी, पुलिसिया पीछे पड़ गई ना मुफ्त की टिकट पड़ जानी है। भाई वैसे इसकी ड्राइव मजे की है, स्पोर्ट्स मोड पे करके देखते हैं कहाँ से होती है कितना होती है। यस स्पोर्ट्स मोड भाई ऑन हो गया हुआ है, अब इस पर भगा के देखते हैं। इशारा लगा हुआ है, इशारे खुल जा, 3, 2, 1। हाय 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 हाय, अबे भाई क्या भागती है, हाय 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 मजे, हाय मजे। हाँ जी पहुंच चुके हैं हम अपने रिश्तेदारों के घर। हाय 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 हाय, घर का नंबर नहीं दिखाते होते, अच्छी बात नहीं होती गाइस। जिस कम्युनिटी में मैं यहाँ पे अमेरिका में 2 साल पहले मूव हुआ था, तब से वेट कर रहा हूँ कि यार इंडोर यहाँ पे कम्युनिटी हो, हम कहा उस कम्युनिटी में क्लब है, तो वहाँ पे उस टाइम पूल की रेनोवेशन हो रही थी जो भी है वट एवर, बट प्लान था कि जब भी ये इसकी रेनोवेशन कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह पूल जाएंगे, विजिट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे सब कुछ करेंगे। तो आज आया हूँ, तो आज इरादा यही है कि भाई फुल नहाया करनी है, फुल इंजॉय करना है, ठीक है आए आपको पूल दिखाता हूँ। ये देखें भाई एक ये इंडोर पूल है, और इसी के साथ बाहर वो आउटडोर पे पूल है, बट वहाँ पे रश बहुत था और बहुत सारे लोग अपने अपने एंजॉयमेंट में थे, समझ तो गए होंगे मेरा मतलब क्या है। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि यहाँ पे नहाया जाए, अब नहाते हैं।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मौसम देखो आ है, क्या मौसम है यार। अभी कुछ देर पहले, कुछ घंटों पहले इतनी धूप, इतनी हवा, सुर जो हवा चल रही थी माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी गर्म हवा थी कि मैं बता नहीं सकता। और अब मौसम देखो, बादल गरज रहे हैं, देखो बारिश हुई है थोड़ी थोड़ी सी। मैं तो अपने हर दोस्त को यही कहता हूँ कि भाई जो यहाँ के क्लाउड है ना, वो आर्टिफिशियल क्लाउड है, और कोई दोस्त मेरी बात को एग्री नहीं करता। बट मैंने हमेशा फील किया, मैं भी पाकिस्तान देखा है कि वहाँ पे नेचुरल चीज़ें होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे हर दफ़ा ही हो जाता है, हर दिन ही होता है। एक ये नहीं होता कि दो तीन दिन बाद या हफ्ते बाद या महीने में एक दफ़ा, ना 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 ना, यहाँ पे भाई मेरे हर एक दूसरे दिन काम है ये यहाँ का। गाइस साड़ा प्लान हो गया जी कैंसिल, क्योंकि मौसम ऐसा था कि कहीं जाने वाला नहीं था। यहाँ पे भाई सीन ऐसा है कि कहते हैं बिजली गिरती है, ठीक है, और थंडर स्टॉर्म चल रहा था, तो भाई कहीं सारा प्लान चेंज कर दिया, कहीं नहीं गए, अब बस अपने घर को जा रहे, रोटी छोटी खा पी कर, ठीक है। गाइस घर पहुंच चुके हैं, ठीक है, बट हम कहीं किसी जगह पे विज़िट तो नहीं कर सके। रीज़न सिर्फ वेदर थी कि भाई क्योंकि वेदर फोरकास्ट पे थंडर स्टॉर्म शो कर रहा था, तो बेहतर था कि नहीं जाना चाहिए। और आज का व्लॉग इसी के साथ यहीं पे आपका भाई ख़त्म करता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से ग्रोथ होगी मेरे चैनल की, और जब ग्रोथ होगी तो आपका भाई मज़ीद व्लॉग अपलोड किया करेगा। अल्लाह हाफिज़।